वोटर टर्न आउट पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रोपोगेंडा का चुनाव आयोग ने करारा जवाब दिया है। खड़गे ने इंडी गठबंधन के नेताओं को एक पत्र लिखा था। लोकसभा चुनाव 2024 के तीनों चरणों में वोटर टर्नआउट के आंकड़ों को जारी किए जाने में देरी के आरोपों को ईसीआई ने नकार दिया है। चुनाव आयोग ने 11 पन्नों के अपने पत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिए बिना ही जवाब दिया है। बता दें कि विपक्षी दल हर संवैधानिक संस्था को बर्बाद बदनाम करते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष द्वारा चुनावी चरणों और प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता पर हमला करने वाले बयान मतदाताओं की हिस्सेदारी पर नकारात्मक असर डाल सकती है। साथ ही इसे विशाल संख्या में चुनाव कर्मचारियों और मशीनरी को भी हतोत्साहित करने वाला बताया गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि इससे मताधिकार के योग्य लोगों को अपने मत का इस्तेमाल करने से वंचित करने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। चुनाव आयोग ने कहा कि आगे इस तरह के बयान दिए जाने से बचना चाहिए, सावधानी बरती जानी चाहिए। चुनाव आयोग ने समझाया कि तैनाती ईवीएम के इस्तेमाल आउट वोटर टर्नआउट के आंकड़े की व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से की जाती है, जिसमें नीचे से ऊपर पहुंचा जाता है, अर्थात प्रत्येक मतदान केंद्र से आंकड़े जुटाए जाते हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि 1961 के नियमों के अनुसार हर एक पोलिंग एजेंट को प्रत्येक ईवीएम के मतदान के आंकड़े साझा किए जाते हैं। चुनाव आयोग ने ईवीएम में गड़बड़ी होने के मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोपों को भी आश्चर्यजनक करार दिया। ईसीआई ने इसे गैर जिम्मेदाराना बयान बताते हुए कहा कि एक राष्ट्रीय दल द्वारा ऐसा करना चिंताजनक है। इलेक्शन कमीशन ने इस दौरान याद दिलाया कि ये सारे आंकड़े पार्टी के उम्मीदवारों और पोलिंग एजेंट्स के पास पहले से मौजूद है। चुनाव आयोग ने कहा कि सामान्यतः वो चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया से बचता है, लेकिन ताजा बयान भ्रम पैदा करने वाला है। चुनाव आयोग ने इस दौरान 2019 लोकसभा चुनावों की भी याद दिलाई, जब वोटर टर्नआउट के आंकड़े बाद में अपडेट किए गए थे। दूसरे चरण में तब 18 अप्रैल को 66% पोलिंग का आंकड़ा दिया गया था, लेकिन 5 दिन बाद समीक्षा के बाद बताया गया कि यह 69.43% है। इसी तरह 2021 में केरल के आंकड़े प्रथम दृष्टया 69.95% थे। समीक्षा के बाद जिसे 76% किया गया, आयोग ने कहा कि वोटर टर्नआउट ऐप में भी सब कुछ सार्वजनिक है। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।